बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी, फैसलाबाद। कोर्स टाइटल टेंसर एनालिसिस, लेक्चर नंबर 9 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नेम है क्रॉन्कर डेल्टा और लिविस म्यूटा सिंबल के बिटवीन रिलेशन को एक्सटेंड करवाना। तो आज के लेक्चर में हमने क्रॉन्कर डेल्टा और लिविस म्यूटा सिंबल का आपस में रिलेशन को डिस्कस करना है, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे, और इससे प्रीवियस हमने जो 2 लेक्चर्स कवर किए थे उनमें हमने क्रॉन्कर डेल्टा को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था, यानी कि इसका हमने ये प्रूव किया था कि प्रूव डैट क्रॉन्कर डेल्टा इज़ अटेनिंग ऑर्डर 2। और ऑनवर्ड हमने लिविस म्यूटा सिंबल का प्रूव किया था, इट्स मीन के स्टेट एंड प्रूफ लिविस म्यूटा सिंबल अटेनिंग ऑर्डर 3, ठीक है। यानी कि आपको मैंने 2 बातें अंडरस्टैंड करवाई थी कि क्रॉन्कर डेल्टा का जो अटेनिंग ऑर्डर है वो 2 होता है, और लिविस म्यूटा सिंबल थ्योरम का जो अटेनिंग ऑर्डर है वो 3 होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में बातें पूछी जा सकती हैं। ये आपसे थ्योरम कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव करें, ये लिखा भी हुआ है कि प्रूव डैट एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन एल एम एन इक्वल है क्रॉन्कर डेल्टा, स्मॉल डेल्टा भी कह सकते हैं इसे, क्रॉन्कर डेल्टा आई के ब्रैकेट स्टार्ट क्रॉन्कर डेल्टा जे एल क्रॉन्कर डेल्टा के एम माइनस क्रॉन्कर डेल्टा जे एम क्रॉन्कर डेल्टा के एल। यानी ये रिज़ल्ट जो है आपने इसको प्रूव करना है, और ये जो आपके पास प्रूफ है इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड आपके पास लिविस म्यूटा सिंबल के तौर पे है, और जो इसकी राइट हैंड साइड है ये आपके पास क्रॉन्कर डेल्टा के तौर पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये रिलेशन कायम करना है कि जो लिविस म्यूटा सिंबल है और क्रॉन्कर डेल्टा आपस में एक रिलेशन के तौर पर कायम होते हैं, मतलब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी हम इसको प्रूफ करते हैं आर डी स्टूडेंट्स। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं आर डी स्टूडेंट्स। प्रूफ है, लेट अस वी अज्यूम डैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस रिलेशन को कायम करने के लिए खुद से एक सुपोजिशन यहाँ पर अराइज करनी है। ये हमारे पास एक डेल्टा अराइज हो रहा है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो डेल्टा है ये एक्चुअली इक्वल होता है कोई डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये हमने डिटर्मिनेंट राइट कर दिया, और इसका जो ऑर्डर है ये है 3x3, यानी 3x3 ऑर्डर का हमने एक डिटर्मिनेंट डेल्टा ऑपरेटर यानी डेल ऑपरेटर कायम कर लिया है, और इसको हम जब राइट करेंगे तो कुछ ऐसे इसकी फॉर्मेशन बन जाएगी इन जनरलाइजेशन, कुछ ऐसे है ये a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। अब यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट हैं इनको आपने कुछ ऐसे राइट किया हुआ है कि यहाँ पर a11 से मुराद है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ से a12 से मुराद है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ से a13 से मुराद है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही ये आपके पास a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम है, और ये आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम है, और ये आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे आपको रीड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम इस पे अपना वर्क स्टार्ट करने लगे हैं। अब हमने इस पे लिविस म्यूटा की डेफिनेशन को फुलफिल करवाना है पहले नंबर पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिविस म्यूटा के सिंबल पर मूव करने जा रहे हैं, तो डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखी हुई है, नाउ बाई यूजिंग लिविस म्यूटा सिंबल एप्सिलॉन आई जे के, यानी जो आपने प्रूव करना है अगर आप गौर करें जो प्रूफ डैट में लिखा हुआ है वो मैंने लिखा है एप्सिलॉन आई जे के, ठीक है। हमने ये डेफिनेशन पहले फुलफिल करवानी है, फिर हम इसके बाद ये इस पर जाएंगे, ये भी एप्सिलॉन यानी कि लिविस म्यूटा ही है, यानी कि इसमें आपके पास 2 बार लिविस म्यूटा लगेगा, पहली बार आई जे के की फॉर्म के लिए, दूसरी बार आपके पास एल एम एन के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, नाउ बाय यूजिंग लिविस म्यूटा सिंबल एप्सिलॉन आई जे के इज, क्या करना है कि डेल ऑपरेटर के साथ आपने लिविस म्यूटा को आपने मल्टीपल यानी प्रोडक्ट में ज्वाइन करवा दिया, ठीक हो गया। यानी कि डेल एप्सिलॉन आई जे के इक्वल होगा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में आपको मैं क्लियर करता जाऊँ कि यहाँ पर एप्सिलॉन का जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट आई है ना, इसको आपने
फर्स्ट रो के अंदर, यानी कि आपने जो फर्स्ट वाला रो में, यानी कि यहाँ पे वन आ रहा था, यहाँ पे भी वन था, यहाँ पे भी वन था, उस वन की जगह आपने क्या किया, आई को राइट कर दिया, ठीक है। जो आपके पास एप्सिलॉन का फर्स्ट सब्सक्रिप्ट में आई है उसको आपने फर्स्ट रो में जो यहाँ पर वन, यहाँ पे भी वन था और यहाँ पे भी वन था, उस वन की जगह रिप्लेस आई कर दिया। ऐसे ही अब आपने एप्सिलॉन का ये जो आपके पास सब्सक्रिप्ट में जे है इसको सेकंड रो में फर्स्ट सब्सक्रिप्ट के साथ रिप्लेस कर देना है, यानी कि यहाँ पर टू था, यहाँ पे भी टू था, यहाँ पे भी टू था, इस टू की जगह आपने जे को रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया जे, ठीक है, ओके, आप दे सकते हो। ऐसे ही अब आपने क्या करना है कि जो एप्सिलॉन का जो थर्ड सब्सक्रिप्ट के है इसको आपने थर्ड रो में फर्स्ट प्लेसमेंट पे रिप्लेस कर देना है, यानी यहाँ पर थ्री था, यहाँ पे भी थ्री था, यहाँ पे भी थ्री था, इस थ्री की जगह आपने के को रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया, ये आप दे सकते हो। उसके बाद बाकी जो वन, ये बाकी ये वन आ रहा है, ये टू आ रहा है और ये थ्री आ रहा है, ये एज इट इज़ है, ठीक है ना। जस्ट जो मैंने आपको रिप्लेसमेंट बताई हैं, फर्स्ट रो में आपने आई रिप्लेस कर देना है, सेकंड रो में आपने जे रिप्लेस कर देना है, थर्ड रो में आपने के रिप्लेस कर देना है, ये ध्यान से करना है। इतना काम करने के बाद अब आपने अगेन अगेन बाय यूजिंग लीविस वीटा सिंबल अप्लाई कर देना है, यानी लीविस वीटा सिंबल जो होगा वो होगा एप्सिलॉन एल एम एन, ठीक है, एल एम एन आपने अप्लाई करवा देना है। तो कैसे होगा, सेम यही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, तो ये देखिएगा, डेल एप्सिलॉन आई जे के मल्टीपल एप्सिलॉन एल एम एन, पहले आपने एप्सिलॉन आई जे के लिखा था, अब हम एल एम एन पे चलेंगे और ये इक्वल होगा, यहाँ पर आपको मैं प्रीवियस डेफिनेशंस क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे वन आ रहा है, ये भी वन आ रहा है, इस वन की जगह आपने एप्सिलॉन में फर्स्ट सिंबल क्या यूज़ हो रहा है, एप्सिलॉन में एल रिप्लेस हो रहा है, तो आप देखें इस वन की जगह मैंने एल लिख देना है, तो आप देखें न्यू डेफिनेशन में यहाँ पर क्या आ गया है, एल आ चुका है, ठीक हो गया। ऐसे अब हम रिप्लेसमेंट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट कॉलम में देखें, नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर टू आ रहा है, यहाँ पे भी टू आ रहा है, यहाँ पे भी टू आ रहा है, इस टू की जगह आपने एम को रिप्लेस कर देना है। अब आप देख लें यहाँ पर मैंने एम लिख दिया हुआ है, ठीक हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर थ्री आ रहा है, यहाँ पे भी सबस्क्रिप्ट में थ्री आ रहा है, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में थ्री आ रहा है, तो इस थ्री की जगह अब आपने एन को रिप्लेस कर देना है, तो आप देखें यहाँ पर एन यूज़ हो रहा है, डैट्स क्लियर है ना। तो ऐसे अब आपके पास ये लीविस वीटा सिंबल टू टाइम अप्लाई हो चुका है, यहाँ पर हमने लीविस वीटा सिंबल को होल्ड करवा दिया हुआ है। अब हम क्रॉनकर की तरह मूव करने लगे हैं, लीविस वीटा यानी यहाँ पर हमने ये तो अप्लाई करवा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा जो होगा इसको भी हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे भी एक डेफिनेशन अप्लाई करेंगे डेल ऑपरेटर की, वो ऑनवर्ड होगी। तो अब आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लीविस वीटा तो अप्लाई करवा दिया है और राइट हैंड साइड में क्रॉनकर को शो करवाना चाहते हैं, तो क्रॉनकर शो करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का हमारे पास डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर टोटल 9 A आ रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी A आ रहे हैं सभी A को हमने कन्वर्ट कर देना है इन द सेंस ऑफ क्रॉनकर डेल्टा, ठीक है, यानी यहाँ पर हम एक रूल अप्लाई करने लगे हैं कि ऑल A रिप्लाइज या ऑल A इम्प्लाइज डैट इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनकर डेल्टा, यानी स्मॉल डेल्टा की फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा, ये लिखा भी हुआ है, हेयर वी रिप्लेस A इज इक्वल डेल्टा, यानी स्मॉल डेल्टा जिसको हमने क्रॉनकर कहा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर A को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल डेल्टा की फॉर्म में, तो सो वी हैव, तो आपके पास ये स्टेप ऐसे आ जाएगा, ठीक है, जितने भी A थे उनको हमने क्रॉनकर डेल्टा में ये देखें कन्वर्ट कर दिया हुआ है, यहाँ पर A था, अब A की जगह आ गया है स्मॉल डेल्टा जिसको क्रॉनकर कहा जाता है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से ये जो डेल ऑपरेटर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ हुआ है इसको आपने फिनिश करना है, इसको फिनिश करने के लिए आपने यहाँ पर एक डेफिनेशन अप्लाई करवानी है, वो है यूनिट मैट्रिक्स जो कि आइडेंटिटी फॉर्म में होती है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, हेयर डेल्टा इज़ इक्वल टू वन, ये डेल्टा इज़ इक्वल टू वन कैसे होता है इसकी मैंने रीज़न भी बताई हुई है, बिकॉज इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो ऑलवेज़ आपको एक यूनिट मैट्रिक्स देगा, इट्स मीन कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि एक डिटर्मिनेंट आप 3x3 का होल्ड कर रहे हो, इन 3x3 मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट अगर आप सोल्व करें तो उसको आप यूनिट क्रिएट करें, तो इट्स मीन कि वो आपको यूनिट मैट्रिक्स देगा, ये मैंने लिखा भी हुआ है,
एंड डिटर्मिनेंट शोज यूनिटी, इट्स मीन कि वो आपको एक वन नंबर क्रिएट कर देता है न्यूमेरिकली फॉर्म में. तो आपके पास क्या रिजल्ट है, डेल इज इक्वल टू वन, इट्स मीन कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट का क्या होगा, ऑलवेज यूनिटी. ठीक है, ये आपने रीजन ज़रूर बतानी है कि डेल वन क्यों आता है. तो यहाँ पर डेल की जगह अब हम वन लिखेंगे, तो वन को जब आपने एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा एप्सिलॉन आई जे के एल एम एन फॉर्म. ठीक हो गया, और ये इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट जो है आपका क्रोनकर की फॉर्म में एज इट इज़ आ चुका है विदाउट चेंजिंग. ठीक है, अब आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है. अब आप जब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो आपने इंटरमीडिएट क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड किया हुआ है. फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 3.3 एक्सरसाइज के अंदर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के बहुत से रूल्स वगैरह वहाँ पर बताए गए हैं. अगर किसी स्टूडेंट को डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने की कोई प्रॉब्लम आए तो वो फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर ले और उसको रूल्स वगैरह को अंडरस्टैंड कर ले तो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना आपको अच्छे अंदाज में आ जाएगा. फिर भी मैं आपको इस लेक्चर में क्लियर कर दूंगा डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने का क्राइटेरिया क्या होता है और कैसे एक्सपैंड किया जाता है. तो यहाँ पर डेल आई एल आपके पास फर्स्ट एंट्री है, डेल आई एम आपके पास सेकेंड एंट्री है, डेल आई एन आपके पास थर्ड एंट्री है. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि डेल आई एल के लिए एक डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में. डेल आई एल आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये आप देख सकते हैं डेल आई एल आपने सिलेक्ट किया हुआ है. अब आपने क्या करना है, इस डेल आई एल का आपने कॉलम को स्किप कर देना है, मतलब छोड़ देना है. ऐसे ही डेल आई एल का आपने रो को स्किप कर देना है. ठीक हो गया, यानी कि डेल आई एल की आपने रो भी छोड़ दी, डेल आई एल की कॉलम को भी छोड़ दिया. तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, ये आपके पास इतना रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा जो आपको मैं सर्कल करके बता रहा हूँ. ये टोटल 4 एंट्रीज रह जाएंगी, 1, 2, 3, 4. आपने इसका लेना है डिटर्मिनेंट, इतने पार्ट का डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट करना है जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है. ये कैसे आएगा कि इस डेल जे एम को आपने मल्टीप्लाई करना है डेल के एन के साथ, यानी इसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है. जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे जैसे ये आपको मैं बता रहा हूँ तो आपके पास ये स्टेप ऐसे हो जाएगा मल्टीपल में. ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूले का आता है. ठीक है, और माइनस के बाद आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डेल के एम को डेल जे एम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये स्टेप आ गया. सिमिलरली आपने ऑनवर्ड ऐसे बढ़ते जाना है. डेल आई एम जब आपने लिखते हैं तो इससे पहले माइनस लगाना है, यानी फर्स्ट एंट्री प्लस होती है, सेकेंड एंट्री माइनस होती है, थर्ड एंट्री प्लस होती है, अल्टरनेट साइंस होते हैं. ठीक है, अब जब आपने डेल आई एम लिखना है तो इससे पहले माइनस लगाएंगे, ये आप देख सकते हो माइनस डेल आई एम लिखा हुआ है. अब आपने इसके लिए भी ऐसे करना है, डेल आई एम के लिए कॉलम छोड़ देना है और डेल आई एम के लिए रो को छोड़ देना है. तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, डेल जे एल, डेल जे एम, डेल के एल, डेल के एन. ठीक है, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है. डेल जे एल को आप मल्टीप्लाई करेंगे डेल के एन के साथ तो ये आएगा, ये ऐसे हो जाएगा डेल जे एल डेल के एन माइनस फॉर्मूले का, ये आप देख सकते हैं माइनस फॉर्मूले का. और रिमेनिंग क्या आएगा, डेल के एल को मल्टीप्लाई कर देना है डेल जे एन के साथ, तो ये आपके पास ये स्टेप हो गया. ठीक है, सिमिलरली आपने मल्टीप्लाई करना है डेल आई एन को, जब आप सेलेक्ट करेंगे इसके लिए कॉलम को छोड़ देना है और रो को छोड़ देना है. ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास ये रह जाएगा, ये जो सर्कल आउट करके बताया जा रहा है. तो डेल आई एन और ब्रैकेट लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी डेल जे एल को डेल के एम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया डेल जे एल इंटू डेल के एम माइनस फॉर्मूले का है. और नेक्स्ट डेल के एल को मल्टीप्लाई कर देना है डेल जे एम के साथ तो आपके पास ये स्टेप आ गया. ठीक है, अब इस कंप्लीट रिजल्ट को आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम असाइन कर देना है. क्वेश्चन नंबर 1 असाइन करने के बाद हमने इसमें कुछ पुटिंग करनी है. अब आपने देखें जो आपने रिजल्ट प्रूव करना है मैं उस तरफ लेके जाता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए कि ये पुट कर क्यों रहे हैं. ये देखें यहाँ पर डेल आई के लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पर आई के साथ जो के है यहाँ पर हमने के क्रिएट करना है. तो आप ज़रा क्रोनकर में जाएं जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखी हुई है. क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा गौर करें,
क्वेश्चन नंबर वन के अंदर ये क्रोनकर डेल्टा जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, आई एल, क्रोनकर डेल्टा आई एम, क्रोनकर डेल्टा आई एन, यहाँ पर आई के साथ तो एल है, यहाँ पर आई के साथ एम है, यहाँ पर आई के साथ एन है, तो यहाँ पर इस एन की जगह आपने के क्रिएट करना है, यानी कि आपने एन को रिप्लेस करना है के साथ। यही मैंने लिखा हुआ है। एल एम को इसलिए रिप्लेस नहीं किया है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, जो लास्ट एंड वाला पॉइंट्स होगा उसको रिप्लेस करना है, यानी कि एल एम के बाद एन आता है, यानी तीसरे नंबर पे एन आता है, तो आपने लास्ट वाले नंबर को रिप्लेस करना है जो आप प्रूफ करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर हमने एन को रिप्लेस किससे कर दिया, के साथ। यही लिखा हुआ है, पुट एन इज इक्वल टू के, यानी जहाँ जहाँ एन आपको मिलेगा वहाँ वहाँ आपने के पुट कर देना है। इन वही है नंबर वन, लेकिन कहाँ पुट करना है, ओनली ऑन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल पुट नहीं करना, जस्ट आपने राइट हैंड साइड में पुट करना है। अब आपने क्या करना है, इस कंप्लीट रिजल्ट में राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड है, इस इक्वेशन नंबर वन के राइट हैंड साइड में आपने जहाँ जहाँ आपको एन मिलेगा वहाँ वहाँ आपने के पुट करते जाना है, तो आपके पास ये स्टेप ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ये आपके पास ये स्टेप ऐसे क्रिएट हो जाना है इस फॉर्म में, ये ऐसे, यानी कि यहाँ पर हमने ये कंप्लीट रिजल्ट जो ये आपको लिख दिया हुआ है, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको एन मिल रहा था वहाँ पर मैंने के पुट कर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास ये ऐसे क्रिएट स्टेप हो जाएगा। अब आपको मैंने ये क्लियर करना है कि यहाँ पर ये जो मैंने रेड लाइन में सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर डेल के सबस्क्रिप्ट बन चुका है, यहाँ पर ये क्रोनकर डेल्टा की डेफिनेशन बन चुकी है। डेल के आपके पास एक्चुअली वन होता है, ऐसे ही यहाँ पर डेल्टा के आ रहा है, ये भी क्रोनकर डेल्टा की डेफिनेशन के मुताबिक वन हो जाएगा। आप लिखना चाहें तो साइड पे लिख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रोनकर डेल्टा, डेल के इज इक्वल टू वन, ठीक है, यहाँ पर हम इसकी जगह वन, अगले स्टेप में हमने इसकी जगह वन लिख देना है और इसकी जगह भी वन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक थ्योरम अप्लाई करना है, ये आपको मैंने एरोज से समझाया हुआ है कि जो डेल के सबस्क्रिप्ट में के एम आ रहा है और डेल के सिंबल में जे के आ रहा है, यहाँ पर अगर आप इसके सबस्क्रिप्ट देखें तो यहाँ पर डमी इंडेक्स की डेफिनेशन लग रही है। डमी इंडेक्स में यहाँ पर के जो है टू टाइम आ रहा है, तो डमी इंडेक्स जो होगा के उसको आप स्किप कर देंगे, जो फ्री इंडेक्स रह जाएगा यानी जे एम उसको आप राइट कर देंगे, नहीं लिख देंगे। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप जब मैं लिखूंगा उसमें डेल के एम डेल जे के को मैं लिखूंगा इसका आंसर डेल जे एम, यानी ये जो आपके पास डेल का रिजल्ट है यानी कि क्रोनकर के फॉर्म में, इसमें जो के है डमी इंडेक्स की वजह से स्किप हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, और जो जे एम होगा फ्री इंडेक्स की वजह से रह जाएगा, ठीक है, उसको आपने लिख देना है, यानी डेल जे एम आपका यहाँ से आंसर क्रिएट हो जाएगा इतने पार्ट का। ऐसे यहाँ पर भी आप डेफिनेशन यही अप्लाई कर दें जो थ्योरम की फॉर्म में है डमी इंडेक्स की, कि जो सबस्क्रिप्ट में के आ रहा है ये डमी इंडेक्स है, इसको आपने स्किप कर देना है, जो जे एल है ये ओनली ऑन वंस हैं, एक बार आ रहे हैं, इसको आप फ्री इंडेक्स कहते हैं, तो फ्री इंडेक्स लिख देंगे, ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा डेल जे एल, और ये तो आपके पास क्रोनकर डेल्टा ये वन हो जाएगा। बाकी ये सारा स्टेप एज इट इज़ है, नेक्स्ट स्टेप में यही मैंने पुटिंग की है, इसकी जगह वन आएगा, इसकी जगह भी वन आएगा, और इस कंप्लीट रिजल्ट का आंसर डेल जे एम आएगा, और इस कंप्लीट रिजल्ट का आंसर आएगा डेल जे एल, यही मैंने नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये मैंने पुटिंग कर दी हुई है, यहाँ पर मैंने वन लिख दिया क्रोनकर डेल्टा के तहत, और ये मैंने डमी इंडेक्स की डेफिनेशन के तहत इसका आंसर निकाल दिया डेल जे एम, और ये भी डमी इंडेक्स की डेफिनेशन के तहत आंसर आ गया डेल जे एल। उसके बाद ये आपके पास कटिंग हो जाएगी, डेल जे एम से डेल जे एम कैंसिल, यहाँ से डेल जे एल से डेल जे एल कैंसिल, बाकी यहाँ से आपको आंसर मिलेगा ज़ीरो, यहाँ से भी आंसर ज़ीरो आएगा, ज़ीरो को आपने इस क्रोनकर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर ज़ीरो रहेगा, और ज़ीरो को किसी भी रिलेशन में ऐड करें तो आंसर आपके पास रिलेशन ही आ जाएगा, इट्स मीन वो ज़ीरो वहाँ से रिमूव हो गया, तो फाइनली आपके पास ये इतना रिजल्ट इस लीविस वीटा के सिंबल के बराबर आ जाएगा, यानी इक्वल आ जाएगा, तो यही मैंने फाइनली लिखा हुआ है, ये आपके पास रिजल्ट हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट वी कंक्लूड एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन आई एल एम एन इक्वल होगा क्रॉनकर डेल्टा आई के ब्रैकेट स्टार डेल जे एल डेल के एम माइनस डेल के एल डेल जे एम, हैंस विच इज़ अ रिक्वायर्ड रिलेशन, यही मैंने यहाँ पर एंड पे कंक्लूजन भी लिखा हुआ है,
कि हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लीविस वीटा सिंबल एंड क्रॉनकर डेल्टा। ठीक है, होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेक्चर को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड सभी कीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन हो और आपके माइंड में कोई पॉजिटिव बेस्ट फीडबैक आता है, आपको लेक्चर कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या अपनी कीमती राय देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, उसमें ज़रूर अपना कमेंट लिखिएगा कि आपके माइंड में लेक्चर से रिलेटेड क्या बात आपको समझ आई है। ठीक है, तो अपना जो कमेंट होता है, आपके माइंड में जो क्वेश्चनिंग होती है या लेक्चर्स आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप अपना ज़रूर वहाँ पे मेंशन किया करें, बताया करें कि लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या फ़ील किया। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।